राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का गतिरोध जारी और सदन में धरने पर बैठे कांग्रेस के सभी विधायक। भारी हंगामे और गतिरोध के बीच सदन में धरने पर बैठे हैं कांग्रेस के विधायक। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सुलह की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायकों के गतिरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का बयान। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के विधायक मुकेश भाकड़ जी ने जिस तरह असंसदीय गतिविधि और अमर्यादित टिप्पणी का आसन का अपमान किया, वो न सिर्फ सदन का बल्कि देश के लोकतंत्र का अपमान है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम। माननीय सदस्य को अपने दुर्व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन नया जो कानून है वो ये कहता है कि जो आने वाले समय में पीपी और एपीपी बनेंगे वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होने चाहिए और उन्हीं में से सरकार उनको लगा सकती है। अब दो प्रकार की गलती ये सरकार कर रही है। पहले तो जो इस क्राइटेरिया के अंदर जो इस नियम की पालना करते हैं वही पीपी और एपीपी बन सकते हैं, और जो दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक जो संकट है इस सरकार के सामने कि ये पुराने नियम के तहत नियुक्ति नहीं कर सकते। ब्लंडर मिस्टेक है सरकार का, सरकार इससे बचना चाह रही है। हमने इस बात को सदन के अंदर रखा और हमने आसन से सिर्फ एक ही डिमांड की कि हमें सिर्फ इस पे व्यवस्था आ जाए, सरकार का जवाब आ जाए कि सरकार इस पे क्या कहना चाहती है, और सरकार कोई जवाब नहीं देना चाहती और जबरदस्ती सत्ता के पक्ष हमारे लोगों को उकसाते हैं, जिसकी वजह से सदन के अंदर गतिरोध बना। हम लोग हमारे जो नियम और प्रक्रिया है उनके तहत हमें जो अधिकार प्राप्त हैं हम अपना जो अपनी बात जिस प्रकार से उठा सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रफीक खान जी जुड़ गए हैं। रफीक जी, जरा ये बताइए, अगर सदन की तरफ फिंगर आउट किया गया और अगर आसन से कोई निर्देश दिए गए तो आपको लगता है कि पूरे तरीके से पक्षपातपूर्ण है? देखिए, ऐसा है, कोई फिंगर आउट नहीं किया। आप वीडियो निकलवा के देखो, और अपनी सीट पे थे ये, और चूरू से आने वाले विधायक हरलाल जी वो अपनी सीट से उठ करके और पैसेज में आ गए, वेल की तरफ बढ़े और जोर से ललकारा मुकेश भाकड़, और ललकारा और उधर से इन्होंने अपने हाथों से इशारा किया, और जबकि वो पैसेज में आ गए थे जी। तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और मुकेश भाकड़ को एकदम से निलंबित कर दिया जी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और आप सब, मैं कहता हूँ मीडिया के साथी भी देखें फुटेज निकाल करके कि अपनी सीट से बाहर नहीं था आदमी और कोई आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, और उसके बावजूद इनको सदन से निकालने की निलंबित करने की का आदेश दे दिया। वो वन साइडेड लगता है, और ऐसा अगर ऐसे ऐसे काम होगा तो कैसे हाउस चलेगा जी। लेकिन रफी खान जी, क्योंकि आप चीफ व्हिप भी हैं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अमूमन इस तरीके की स्थिति बनती है और हमने इससे पहले देखा है विधानसभा के अंदर कि जब ऐसी स्थिति बनती है तो विधानसभा अध्यक्ष के ऑफिस में जाया जाता है, बातचीत की जाती है, वहां से समाधान निकल जाता है। तो इस बार ऐसा क्यों नहीं? जब हम लोग थे वेल के अंदर तो मैंने अध्यक्ष जी से दो बार रिक्वेस्ट की कि एक बार आप 10-10 मिनट के लिए अटेंड कर दो और फिर बैठ करके बातचीत करके मामले को सुलझाया जाए। तो अध्यक्ष जी बोले भी मैं वन साइडेड में प्रेशर में आके नहीं करूंगा। तो इस तरह से ये स्थिति बनी। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि एक बार आप स्थगित करके और इस पे टीकाराम जूली जी से बात कर लें, या सरकार अपना पक्ष रख दे कि सरकार क्या जवाब देना चाहती है इस बारे में जी। तो सरकार की तरफ से कोई जवाब का या कोई एश्योरेंस नहीं आ रहा था। कल चूंकि आखिरी दिन था तो हम चाह रहे थे कि हमें एश्योरेंस या जवाब आज ही मिले या एश्योरेंस मिले। तो दोनों ही स्थिति में हम तो इंतजार कर रहे थे, और एक ऐसा इशू था जिसके ऊपर एक मंत्री के खुद के ऊपर एलिगेशन था, संसदीय कार्य मंत्री के ऊपर, और वो कानून मंत्री भी है। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ये क्यों इस तरह की इतनी सी बात पे इतनी बड़ी घटना बनी, और जिस मामले में आज का जो इशू था वो सारी बात धुमिल हो गई और कोई वॉइस विधानसभा के अंदर से नहीं जा सकी। विपक्ष का कायदा होता है जनता के लिए आवाज उठाने का, इसमें इसमें बहुत सारे लोगों को, पूरे वकील जगत में इस बात की
नाराजगी थी कि भी ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और केंद्र सरकार के डायरेक्शन भी है कि कोई भी मंत्री अपने परिवार के किसी आदमी को लाभ के पद पर नहीं रखेगा। ठीक। इसके बावजूद ऐसा आदेश था तो इस पे ऐतराज था, और ऐसे में अगर किसी सदस्य को इस तरीके से किया जाए फिर उसके बाद में जो हुआ और सदस्यों के साथ, लेकिन मैं व्यक्तिगत मानता हूँ रफी खान जी, बाद में भी जो बातचीत होगी वो बातचीत के जरिए ही समाधान निकलेगा, वैल में आकर धरने प्रदर्शन से तो यकीन नहीं निकलेगा, ये आप भी मानते होंगे। वैल में जब ये इंसिडेंट हुआ हमने अध्यक्ष जी की बात को माना, अपनी सीट पे चले गए सारे के सारे जी, और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष है वो बोल रहे थे, बात कह रहे थे अपनी की भी आप, उन्होंने कहा कि मैं व्यवस्था देता हूँ, तो उन्होंने कहा परीक्षण करा के व्यवस्था देता हूँ, उन्होंने कहा भी व्यवस्था आज ही दे दो। ठीक है रफी खान जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक बात और सुन लो आप, एक बात और सुन लो जी, बोलिए बोलिए। व्यवस्था देने की बात उन्होंने कही तब हम लोग अपनी सीटों पे थे, सारा मामला सुलझ चुका था, और वहीं से गुस्से में निलंबन करना वो जायज नहीं है। ठीक है रफी खान जी, अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ जोगेश्वर गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। जोगेश्वर जी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना और बड़प्पन भी होता है, आपको लग रहा है वाकई में मुकेश भाकड़ ने जो किया उससे आसन का अपमान किया और सरकार इसके बीच में नहीं आएगी, समझौता नहीं कराएगी, क्योंकि ये आसन और विपक्ष का मामला है? देखिए सबसे पहले तो विपक्ष कंफ्यूज है। पहले तो उन्होंने मुद्दा ये उठाया कि जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें नए कानूनों का जिक्र नहीं करके पुराने वो सीआरपीसी और उनका जिक्र करते हुए निकाला है, वो गलत है। पहला मुद्दा तो सिर्फ ये था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो पीपी की नियुक्ति हुई है वो गलत हुई है, ये हुआ, ये जो बेटे की बात कर रहे हैं वो तो बहुत आखिर में आया कई घंटों बाद जी, और अपना फेस सेविंग करने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए उन्होंने ये किया है, वरना वो नियुक्ति तो 6 महीने पहले हो चुकी और 6 महीने से वो आदमी कोर्ट में काम कर रहा है, तब क्यों नहीं उन्होंने एतराज किया उस पर? तो अब ये जब मुद्दा बिगड़ गया तो उसको कैसे अपना चेहरा बचाना, उसके लिए ये फेस सेविंग के लिए नेता के मंत्री जी के बेटे पर आक्षेप कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। मुद्दा ये था ही नहीं, इन्होंने उठाया कुछ और था, पहुंचे कहीं और। एक तो कंफ्यूजन इनको खुद का दूर करना चाहिए कि वो चाहते क्या है और असली मुद्दा क्या है, वो ही उनको समझ में नहीं आ रहा है जी। दूसरा ये था कि आसन ने जब व्यवस्था दे दी, आपको ऑब्जेक्शन करना था तो नियम और प्रक्रिया में बहुत सारे रास्ते हैं, आप उन तरीकों से आते हैं, आसन ने कहा आप तरीके से आओ, हम करेंगे, आपको सुनेंगे और निर्णय देंगे, वो उस प्रक्रिया से नहीं आए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर के नाम से वो अंदर घुसते हैं जबकि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर का विषय ही नहीं है, तो फिर कैसे उसको एंटरटेन करते हैं, कैसे उसको अलाउ करते हैं अध्यक्ष महोदय? और इसलिए उन्होंने मना किया, और वो भी एक बार नहीं 10 बार उनको समझा के कहा कि आपको इस विषय को ये उठाना है दूसरे तरीके से उठा लो, कल उठा लेना, 2 घंटे बाद उठा लो, दूसरे नियम के तहत आइए, इस नियम के तहत ये नहीं बनता है इसलिए नहीं उठाने दूंगा मैं। तो सारे कुछ उनको सुनने के बाद उनको व्यवस्था दी है आसन ने, उस व्यवस्था को मानना नहीं चाहते, उस व्यवस्था को सीधा चैलेंज कर रहे हैं, और इस तरह से नेता प्रतिपक्ष एकदम से झटके से बैल में आ जाते हैं। पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष, दूसरे विधायक आते हैं नेता प्रतिपक्ष खुद नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने एकदम से खुद ने आना कर लिया। और फिर जो मुकेश बाकर का भी जो एक्शन और बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत खराब थी, आसन के प्रति इससे अधिक अपमान क्या हो सकता है, सीधा चैलेंज कर रहा है वो, तो ये भी उचित नहीं था, इसलिए ये सारा माहौल खराब हुआ है। और मुझे लगता है कि कोई या तो कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स को जैसी है एक दूसरे की टांग खिंचाई की मुद्दे को बिगाड़ना उलझाना, वो भी हो सकता है, या और भी, या उनका अज्ञान हो सकता है, पर कुल मिलाकर जो हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए था। और ये कांग्रेस की, लेकिन जोगेश्वर गर्ग जी, क्योंकि आप मुख्य सचेतक हैं, जोगेश्वर गर्ग जी भाई कल 11 बजे फिर से विधानसभा शुरू होनी है और विपक्ष के बिना तो शुरू होगी नहीं सर, और विपक्ष बैठा हुआ इस वक्त धरने पर, तो उनको मनाया तो जाएगा ना, तो वो कैसे होगा? देखिए मनाने का प्रयास भी हम कर रहे हैं, हमने यही कहा कि आसन के आदेश की एक बार पालना करो। उसके बाद हुआ ना शांति धारीवाल जी के मामले में भी पिछले हफ्ते हुआ है, ठीक, तो आप आसन के आदेश की एक बार पालना करो, फिर आसन पुनर्विचार कर लेगा। अब पहले आदेश की पालना नहीं करो तो दूसरा आदेश करवाना चाहो तो ऐसा नहीं चलता है, वो तो उनको भी नरम पड़ना चाहिए ना जी। तो आप क्या मानकर चल रहे हैं, क्योंकि धरने पर बैठे हैं वो लोग अभी?
हाँ, अगर बैठना भी चाहिए। हम तो ये तो आज कुछ घंटे से बैठे हैं, हम लोग तो तीन तीन चार चार रातें बिता चुके हैं हाउस के अंदर धरने पर, तीन तीन चार चार रातें बिताइए। ये तो याद है सर, मुझे गद्दे तक बिछ गए थे अंदर और गद्दों पर आराम से वहां पूरा धरना दिया गया था। लेकिन व्यवस्थाएं तो बदलती है ना, कांग्रेस की सत्ता में होने और बीजेपी के सत्ता में होने, दोनों में कोई तो अंतर होगा। अगर उनके टाइम में आप वहां गद्दे बिछा रहे तो और आपके टाइम में वो गद्दे बिछा रहे हैं, और मध्यस्थता तो टेबल से ही निकलनी है, बातचीत से ही, तो उसकी शुरुआत की जाए ताकि एक नजीर बने। अभी कौन कौन निस्तारण होगा, जरूर होगा, पर थोड़ा वो व्यावहारिक बात करेंगे, न्याय संगत तर्कसंगत बात करेंगे तो निस्तारण हो जाएगा जी। क्योंकि आप काफी अनुभवी, आपको लग रहा है कि विधानसभा के अंदर अनुभवी नेताओं की एक बड़ा वैक्यूम इस वक्त दिखाई दे रहा है, जो समझा सके युवा ब्रिगेड को कि भाई आसन के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसे सवाल उठाने। टकराव नहीं हो और एमनेस्टी का माहौल नहीं बने, भैरव सिंह जी का चला हूं मैं तो टकराव को टालना और उससे कैसे बाहर निकलना, अच्छा माहौल कैसे बनाना, प्रयास हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो उनको भी झुकना ही पड़ेगा, नरम पड़ना ही पड़ेगा। क्या नेता प्रतिपक्ष से बातचीत की जाएगी कि भाई आकर बातचीत कीजिए, क्योंकि वो भी जानते हैं आप भी जानते हैं कि ऐसे चलेगा नहीं, तो फिर हम भी नरम हो जाएंगे। ठीक है जोगेश्वर गढ़ जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष नरमी दिखाएगा तो सरकार भी नरमी दिखाएगी, क्योंकि ये सच है कि बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। क्योंकि जैसी तस्वीर हम देख रहे हैं विधानसभा के अंदर, अगर यही तस्वीरें रही तो कल 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो क्या शुरू के साथ ही स्थगन होगा? बहरहाल मानकर चल रहे हैं उससे पहले इस समस्या का समाधान होना चाहिए, और वो समस्या का समाधान विधानसभा अध्यक्ष के साथ बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। आज जिस तरीके से अनर्गल प्रतिपक्ष ने अपनी बात को रखा और अध्यक्ष जी ने उनको इजाजत भी दी, परंतु जो विषय था वो विषय हाई कोर्ट में सब जुडिस था, उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दी कि एक बार मैं इस विषय का परीक्षण कराकर और कल इस विषय पर व्यवस्था दूंगा। परंतु प्रतिपक्ष की जैसी आदत है, लगातार जब से सदन की कार्यवाही प्रारंभ हुई है, ये सत्र प्रारंभ हुआ है, लगातार आसन की अवमानना करना, आसन पर टिप्पणी करना, आसन की गरिमा को एक तरीके से तार तार कर देने का प्रयास रहा है। मात्र 8 साल की गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, और उसको लेकर उनके पास कुछ कहने को है नहीं। 5 साल के उनके जो कार्य रहे हैं उनको लेकर वो कोई जवाब दे नहीं पाते, और इन सारी चीजों को लेकर प्रतिपक्ष इतनी बौखलाहट में है कि वो इस सत्र को ढंग से चलने नहीं देता। देखिए, मैं सोचता हूं कि 1952 के बाद से, जब से राजस्थान की स्वच्छ राजनीति में चुनाव होने लगे, चुनाव के बाद में विधानसभाएं आहूत की गई, उसके लगभग इतने सालों के बाद में ये पहला मौका ऐसा देखने को मिला तो विपक्ष के नाते कांग्रेस ने इस सदन की परंपरा को कलंकित करने का काम किया है। जब हम सबको पता है कि जब कोई मैटर सब जुडिशियस होता है, ऑनरेबल कोर्ट के अंदर जब कोई प्रकरण विचाराधीन होता है, उस पर किसी प्रकार की कोई बातचीत सदन में चर्चा भी नहीं हो सकती है। उस प्रकरण को बिना किसी कारण के माननीय नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के नेताओं द्वारा उठाया गया, उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की परंपराओं को, जो उसकी नियम है, प्रक्रिया है, उसका हवाला देते हुए विपक्ष से ये आह्वान किया, उनसे ये बातचीत करी कि आप नियमों के अंतर्गत आइए, जो विषय सदन के संज्ञान में आता है आप लिखित में दीजिए, हम उसके ऊपर संज्ञान लेते, परीक्षण कराने के बाद हम उस पर व्यवस्था देंगे। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी साथियों ने सदन की परंपरा को भी न मानते हुए अध्यक्ष जी की जो व्यवस्था थी उसको भी अस्वीकार किया।